अच्छी सोच, ये जो बदगुमानी है ना, बुरा सोचना बुजुर्गों के बारे में भी, लोगों के बारे में भी, गरीबों के बारे में भी। अगर किसी बंदे को चार पैसे मिल गए तो ये कहना कि यार पता नहीं इसने कौन सा बैंक लूटा है, और अगर नहीं मिले तो कहना ये काहिल ही बड़े हैं, काम ही नहीं करते। हर जगह बदगुमानी। अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्न इन्ना बादा ज़न्न इस्म। ए ईमान वालों, बहुत सारे गुमानों से बचो, बाज गुमान भी गुनाह है, अच्छा सोचें। हुज़ूर ने फरमाया कि सबसे बड़ा झूठ बदगुमानी है, लोगों के बारे में अपने ख्यालात को परागंदा कर लेना, बुरा कर लेना, बुरा सोचना, बिखर जाना ख्यालात का, ये सबसे बड़ा झूठ है। मुआशरे में जब सोचें अच्छी होती हैं तो मुआशरा सेहतमंद होता है। पाकिस्तान में ना डिप्रेशन के मरीज कोरोना के बाद 65% के करीब हैं। किसी को थोड़ी सी टेंशन है, किसी को ज्यादा है। अब इसमें सबसे बड़ा, ये जो टेंशन का मर्ज है, इसमें सबसे बड़ा मसला बदगुमानी का है। आप डॉक्टर के पास पहले दिन जाएंगे ना, मुझे टेंशन है, तो पहला सबक ये पढ़ाएगा कि अच्छा सोचा करो और जो रब ने दिया उस पर राजी रहना सीखो, टेंशन खत्म होगी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना अच्छी सोच लोगों के अंदर लाना चाहते, लोगों को लोगों के हक में नरम करते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे के लिए दलाइल देते। हर तबके की हुजूर ने इज्जत बयान की। मजदूर से, मेहनत करने वाले से कहा यह अल्लाह का दोस्त है। जो तिजारत करने वाला था फरमाया जो सच्चा ताजर होगा कयामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा। हर शख्स को एहसास दिया अच्छा गुमान। अगर बिलफर्ज किसी वक्त आपको ऐसा लगता है कि फलां आदमी ये गलती कर रहा है, तो एक तो ये कि अगर वो बुजुर्ग है, कोई आलिम है, कोई अल्लाह वाला है, कोई हमसे बड़ा है, हमारा वालिद है, तो उसकी उस गलती को, उसकी तावील करने की कोशिश करें। अच्छा अगर कोई अच्छा पहलू निकलता है तो अच्छे। एक औरत जा रही है तेजी से बेपर्दा गली में, तो बुजुर्ग फरमाते हैं उसे बेहया ना कहो, हो सकता है बेचारी का बच्चा छत से गिर गया हो, दुपट्टा माँ को याद ही नहीं रहा, दौड़ गई। हालांकि याद रहना चाहिए था उस मौके पर, लेकिन कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारा जेन हर वक्त ना उलझा रहे। मैं बस बात खत्म करने लगा हूँ, सबक मैंने अर्ज करना तो मैं कर चुका। अगर गुमान हमारे सही रहने लग जाए ना, मैं मुल्क से बाहर था तो एक साहब मुझसे कहने लगे मौलवी बड़े बुरे हैं, पीरों का कोई हाल नहीं, सियासतदान सारे पाकिस्तान के ख़राब हैं, कौम सारी लालची है। मैंने कहा आप दूर बैठे हैं, आपको क्या बताओ, अगर मौलवी पीर कुछ नहीं कर रहे तो मस्जिदों के अंदर रमज़ान में हाफिज़ ज़्यादा होते हैं, मस्जिदें थोड़ी होती हैं, तो इनको कोई पढ़ा रहा है तो इतने बंदे पढ़ रहे हैं ना, कोई आलिम बना रहे हैं तो बन रहे हैं ना, कोई आपने कभी देखा है कि आज हड़ताल है मौलवियों की, जुमा नहीं होगा, क्या बात करते हैं आप, दूर बैठ के बदगुमानी। और जहाँ तक कौम का ताल्लुक है, जिस बेटी बेचारी ने खुद सिलाई मशीन पे बैठ के अपना जहेज बनाया था ना, जब जलजिला आया कश्मीर पे, तो उसने भी कहा था अब्बा मैं तीन कपड़ों में चली जाऊंगी, ये जलजिले वालों को दे दे सामान। ये जवान जिनको लोग बड़ा बुरा कहते, एक बाबा जी को खून की एक बोतल की जरूरत पड़ जाए तो 14